हाय फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। तो आज हम ये डिलीशियस रेसिपी बनाने वाले हैं। तो ये रेसिपी कैसे बनाने वाले हैं वो अभी देखेंगे। चलो, अभी मैंने एक पैन लिया है और पैन गरम करके लिया है। उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच बाजरे का आटा लिया है और वो आटा हमें अच्छे से भून लेना है, मतलब उसका कलर लाल होने तक हमें उसे अच्छी तरह से भून लेना है। अभी सर्दी का मौसम चालू है, बाजरे का आटा गर्म रहता है तो खाने के लिए भी अच्छा होता है। देखो, ऐसे हमने बाजरे का आटा भून के लिया है। अब हम उसको एक साइड से निकाल लेंगे। अभी हम उस पैन में थोड़ा सा तेल डाल के सूखा नारियल को भी अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। देखो, इस तरह से आप भी उसको शालो फ्राई कर लो तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी बन जाएगी। देखो, मैंने सूखे नारियल को भी अच्छी तरह से भून लिया है। अब उसी तेल में हम लहसुन और अदरक को भी एक दो मिनट के लिए उसमें भून लेंगे ताकि हम ये मसाला डायरेक्ट मिक्सर में पीस सके। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब मैंने एक मिक्सी का बर्तन लिया है, उसमें मैंने अदरक लहसुन, देखो मैंने उसमें अदरक लहसुन और जो हमने भुना हुआ सूखा नारियल है वो भी मैं उसमें डाल रही हूँ और कुछ धनिया डाल के उसको मिक्सर में पीस लूँगी। और ये जो हमने सूखा हुआ आटा लिया था उसमें मैंने गरम मसाला और ठंडा पानी मिलाकर उसकी अच्छी से पेस्ट बनाऊंगी और वो पेस्ट को मैं साइड में रख दूंगी। देखो, कुछ इस तरह से आप उस ये पेस्ट बन जाएगी। अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है, पैन में तेल डाल के जो अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट, सूखा हुआ पेस्ट निकाल के बाकी का पेस्ट पानी डाल के निकाला है। तो देखो, अभी ये पेस्ट को आपको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक पेस्ट का कलर थोड़ा सा रेड हो जाता है तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये अच्छे से भूनता है तब तक इसे अच्छे से भून लेना है, तभी उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। सभी मसाले को अच्छे से भूनने के बाद ही सब्जी अच्छी बनती है। और इसमें अभी हमने धनिया डाला है, धनिया को भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखो, इस तरह से आप भी उस भून सकते हो। अभी हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने कटे हुए दो छोटे छोटे प्याज लिए हैं और उसको बारीक कट कर लिया है। वैसे आप भी इसको ऐसे ही बारीक कट करके डालना है और प्याज का भी कलर चेंज होने तक आपको उसको फ्राई कर लेना है। अभी देखो, हमारा प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसमें पानी डाल के निकाला है। अभी हमने ये मसाले में डाला है और इसको भी हम एक उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे। अभी देखो, हमारे मसाले में उबाल आया है। अब हमने जो बाजरे के आटे में पानी डाला था वो भी मिक्सचर हमने डाल दिया है और उसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और उसको भी एक उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे। अब देखो, इसको भी उबाल आ रहा है। अब हम इसमें डेढ़ ग्लास पानी डालेंगे। अभी हमने डेढ़ ग्लास पानी डाला है और अब हम उसमें नमक डालेंगे। स्वादानुसार आप उसमें, आपके हिसाब के अनुसार उसमें नमक डालना है। ये देखो, नमक डालने के बाद उसको अच्छे से हिला कर लेना है और उसके ऊपर मैंने धनिया भी डाली है। खाने में भी अच्छी लगती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो देखो, हमारी सब्जी में अभी उबाल आने लगा है। 10 से 15 मिनट तक आप इस सब्जी को अच्छे से उबाल आने दें, तब ये सब्जी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। देखो, हमारी सब्जी अभी रेडी है। कैसी बनी सब्जी है आप मुझे ज़रूर बताना।